एक डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, आठ बॉडी बिल्डर हनुमान दे, क्या 250 वाला कृष्णा दे और 5 वो टाइगर वाली दे दे, शेरा वाली माँ 3। भगवान भगवान स्वागत है आप सभी का AR फिल्म में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ओ माई गॉड 2 के बारे में। दोस्तों अक्षय कुमार के OMG 2 का हम सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी हाल ही में OMG 2 को लेकर अपडेट निकल कर आया है कि फिल्म के बहुत ही जल्द शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। अब की बार फिल्म में हमें और भी कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने OMG 2 का एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें वह हमें महादेव के रोल में नजर आ रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि लोगों को अक्षय कुमार का ये रोल कैसे पसंद आता है, क्योंकि अक्षय कुमार पिछले लगातार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई हैं, जिनमें कई काफी बड़ी बड़ी फिल्में भी थी। दोस्तों अब देखना ये होगा OMG 2 फिल्म अक्षय कुमार को कहां लेकर जाती है। OMG 2 फिल्म में हमें कई बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में हमें लीड रोल में अक्षय कुमार और परेश रावल की जगह पर पंकज त्रिपाठी देखने को मिलने वाले हैं। और खबरें तो आ रही हैं कि फिल्म में हमें हमारे भगवान श्री राम यानी अर्जुन कुमार भी देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में अर्जुन गोविंद जी का रोल श्री राम का ही होने वाला है, इसीलिए सभी लोग उनको दोबारा से श्री राम के रोल में देखने के लिए बड़े ही एक्साइटेड हैं। वहीं बात करें फिल्म में फीमेल कैरेक्टर की, तो फिल्म में हमें फीमेल कैरेक्टर में यामी गौतम देखने को मिलने वाली है। फिल्म में हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के और भी कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो फिल्म को बॉलीवुड के इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अमित राय के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर को सेकंड पार्ट में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि फिल्म के फर्स्ट पार्ट को उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया था, वहीं फिल्म के सेकंड पार्ट को अब अमित राय डायरेक्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है OMG फिल्म का पहला पार्ट एक रीमेक था, और अब फिर से खबरें आ रही है OMG 2 भी एक रीमेक होने वाला है, पर ये नहीं पता कि किस फिल्म का रीमेक है। अभी रीमेक वाली खबर को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। फिल्म की स्टोरी तो हमें फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी। फिल्म के ट्रेलर के लिए अभी थोड़ा समय इंतजार करना होगा। फिल्म के लिए फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। पहले खबरें आ रही थी फिल्म को 2023 में रिलीज किया जाएगा, पर अब फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन करके फिल्म को 2024 में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग 2023 के लास्ट में स्टार्ट किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग 4 से 5 महीने तक चलती है, तो फिल्म हमें 2024 के मिड तक देखने को मिल जाएगी। अब देखना ये होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।